Hey guys, how are you all? This is me, Saloni Sinha. Welcome back to Justic Cosmetics. So guys, today's video is very important because today I'm going to talk about sunscreen. तो सनस्क्रीन क्या होता है, कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, कितनी देर बाद री अप्लाई करना चाहिए, सब कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में. तो प्लीज़ एंड तक बने रहिए. एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस, सनस्क्रीन इज़ अ बैरियर जो आपको सन से होने वाले हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करता है. हार्मफुल रेडिएशंस जो सन से प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज़ द UVA एंड UVB रेडिएशन, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर स्किन. तो सनस्क्रीन उससे आपको प्रोटेक्ट करता है. तो अब जानते हैं कि रेडिएशन कितने टाइप के होते हैं. सो मेनली जो दो टाइप के रेडिएशन होते हैं, दैट इज़ द UVA एंड UVB. सबसे पहले बात करते हैं UVA के बारे में. सो UVA रेडिएशन बेसिकली जो होते हैं, आपको आपके जो एजिंग प्रोसेस होते हैं ना, उसको स्पीड अप कर देते हैं, आपके स्किन को बहुत ज़्यादा डल बना देते हैं. फाइन लाइन्स और रिंकल्स बनाने में इनका बहुत ज़्यादा योगदान है. एंड यहाँ बात करें हम अगर UVB रेज का, तो ये आपको स्किन बर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और साथ ही साथ इससे होते हैं स्किन कैंसर. सो दीज टू रेज आर वेरी हार्मफुल एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर योर स्किन. सनस्क्रीन लेने मार्केट में जाते होगे तब आप देखते होगे कि SPF एंड नंबर्स मेंशन किए रहते हैं सनस्क्रीन के डब्बे पे. तो वो एग्जैक्टली होते क्या है? SPF यानी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, इसका ये फुल फॉर्म है. एंड जो नंबर्स होते हैं ना, वो बेसिकली आप देखोगे 20, 30, 40, 50, इवन 100 तक जाते हैं. तो ये सब क्या होते हैं? ये सब इंडिकेट करते हैं कि आपको कितने परसेंट आपको सन के हार्मफुल रे से बचाएगा. गाइज, जो SPF 30 होता है वो आपको 96.7% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो SPF 40 होता है वो आपको 97.5% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जो SPF 100 होता है वो आपको 99% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सन के हार्मफुल रेज से. तो मुझे नहीं लगता है कि SPF 50 के आगे जाने का कोई फ़ायदा है, क्योंकि कोई भी सनस्क्रीन आपको 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करता. आज तक मार्केट में ऐसा कोई सनस्क्रीन नहीं आया है जो आपको ये क्लेम कर सके कि हम 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. तो SPF 50 के आगे जाने का कोई लॉजिक नहीं बनता. तो मैं मेनली SPF 50 प्रोटेक्शन वाले सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, प्रेफर करती हूँ. आपको भी कि आप भी यूज़ करो. So now I am going to give you some tips about sunscreen. तो सबसे पहले कितने अमाउंट में यूज़ करना चाहिए. 3-finger rule आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए. आपकी ये तीनों फिंगर्स भर जाने चाहिए सनस्क्रीन से. आप ऐसा मार्केट में आया है, ऐसा मैंने रीड किया है, जो हम इंडियंस होते हैं वो सनस्क्रीन का 1/3 ही यूज़ करते हैं. तो मेक श्योर यू अप्लाई द 3-finger rule, दैट इज़ यू हैव टू टेक दिस मच अमाउंट ऑफ सनस्क्रीन. 3-finger rule, राइट? सो मैंने थोड़ा कम लिया, बट इतना आपको सनस्क्रीन लेना है. इसको अच्छे से मिक्स करो एंड आपको रगड़ना नहीं, इसको टैप टैप करना है. जस्ट यू हैव टू अप्लाई. जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक बैरियर है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है. तो आपको इसको क्रीम की तरह नहीं, एज ए प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई करना है. आपको ये मेक श्योर करना है कि आपके बॉडी के जितने भी एक्सपोजिव पार्ट्स हैं, यानी कि आपके ईयर्स, आपके नेक, आपका बैक ऑफ द नेक, आपके हैंड्स, सब जगह आप सनस्क्रीन अप्लाई करो, अच्छे से अप्लाई करो. और ऐसे सनस्क्रीन मत यूज़ करो जो आपको वाइट कास्ट दे. और एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं भी बाहर जाओ, तो बाहर जाने से कम 20 मिनट पहले आपको सनस्क्रीन अप्लाई करना है. सनस्क्रीन भी वक्त लेती है अपना काम करने के लिए. तो ऐसा नहीं कि आप तुरंत लगाओ और सन में आप चले जाओ, ऐसा बिल्कुल मत करना, जिससे आपको टैनिंग हो सकती है, सनबर्न हो सकता है. सो मेक श्योर यू डू दिस थिंग्स. एंड आप देख सकते हो सनस्क्रीन मेरे स्किन में अच्छे से डिजॉल्व कर चुका है. एंड ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सनस्क्रीन लगाया और आपका काम हो गया. आपको हर 2 घंटे पे सनस्क्रीन लगाना चाहिए, ताकि आपको अच्छे से प्रोटेक्शन मिले सन के हार्मफुल रेज से एंड आप टैनिंग से भी बचे रहो. एंड दिस इज ऑल अबाउट सनस्क्रीन. आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव. इफ यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.